भगवान बहुत थका हुआ फील करते तो इस जगह पर आकर क्या करते, भगवान स्नान क्रिया करते थे, क्योंकि ये नंद सरोवर है, तो ये भगवान श्री कृष्ण का पर्सनल सरोवर है, है ना। बाद में हमारे सठ गोस्वामियों में से एक सनातन गोस्वामी ने इसी जगह पर अपनी भजन कुटीर बनाई, और जब भजन कुटीर बनाई तो उस समय जंगल था, यहाँ पर लोग बहुत कम आया जाया करते थे, तो सनातन गोस्वामी कुछ खाना खाने के लिए, कुछ मांगने भिक्षा वृत्ति के लिए भी नहीं जाते। कृष्ण ने सोचा अगर इस तरह से ये भजन करते रहे तो ये तो अपना शरीर छोड़ देंगे, तो कृष्ण स्वयं दूध लेकर आ गए और बोले बाबा हम जो नंदग्राम वासी हैं हमको न किसी भी साधु की इस तरह से भूख देखी नहीं जाती, मैं अभी गाय चराने जा ही रहा था कि मैंने देखा कि आप यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, मतलब आप कुछ खाते पीते नहीं, ये आप दूध पियो, मैं लोटा जब वापस में गाय चरा के आऊँगा तो ले जाऊँगा। जिस तरह से रोज श्री कृष्ण यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद के लिए लोटा में दूध लेकर आते और श्री कृष्ण सनातन गोस्वामी को पिलाया करते थे। बाद में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब यहाँ पर आए और जब उनको पता चला कि यहाँ पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर थी, तो उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगी, प्रेमाश्रुधारा, उनका शरीर से कंपन होने लगा इस जगह पर जब आए थे दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से यह हमारे संप्रदाय के लिए यह जगह बहुत विशेष है, तो हम सब भी उसी तरह से सनातन गोस्वामी पाद से प्रार्थना करते हैं। भजन कुटीर पीछे में है, आपको दिखाई देगा, यहाँ से जाएंगे तो पीछे में है, हम वहाँ पर अभी नहीं जाएंगे, है ना, यहीं से प्रणाम करेंगे और पावन सरोवर और सनातन गोस्वामी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में भी वैसा ही भक्ति का संचार हो, ताकि हम भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में थोड़ी सी रति प्राप्त कर सकें। ठीक है, इससे पहले हम अभी होकर आए कहाँ से, वृंदाकुंड से। 2003 में जो विग्रह आपने दर्शन किया होगा वो 2003 में स्थापना हुई थी उसकी, पहले वो केवल कुंड था, बाद में वहाँ पर विग्रह लाकर स्थापित किया गया। वृंदा देवी का वैसे कहीं पर भी विग्रह नहीं है काम्यवन को छोड़ करके, तो ये दूसरा विग्रह है वृंदा देवी का, बाकी समस्त पूरे ब्रह्मांड में वृंदा देवी की पूजा पौधे के स्वरूप में होती है, लेकिन वृंदा देवी का पहला जो मूल स्वरूप है वो वृंदा देवी वैसे भी इस ब्रज को छोड़कर नहीं जाती। तो जब जयपुर के राजा जब सारे विग्रहों को सुरक्षित करने के लिए वृंदावन से लेकर जा रहे थे, तो वृंदा देवी जैसे काम्यवन में पहुंची वैसे ही उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, और काम्यवन में अवस्थित हो गई। तो एकमात्र वह विग्रह था, बाद में वृंदा देवी का दूसरा विग्रह यहाँ वृंदाकुंड में स्थापित किया गया। वहाँ भी वृंदाकुंड में काम्यवन में जो वृंदा देवी का मंदिर है वहाँ भी एक तोता है जिसका नाम और 1,00,000 परिकर है, मतलब 1,00,000 सेवक है। ये 1,00,000 सेवक पर वृंदावन में क्या क्या चल रहा है तो सारी जानकारियां लाकर देते हैं वृंदा देवी को कि आप देखिए यहाँ पर ये भक्त आया है, ये आज भूखा है, आज इसके लिए रहने का जगह नहीं है, आज ये नाराज हो गया, आज ये गुस्सा हो गया, आप लोग जितनी एक्टिविटी करते हैं ना सब कुछ तोता दिखता है, कौन, दक्ष और उसके जो परिकर है 1,00,000 परिकर है, वे सब कुछ देखते हैं और वृंदा देवी को बताते हैं। तो इस तरह से वृंदावन का मैनेजमेंट, जैसे हमारे इस यात्रा का मैनेजमेंट हमारे राम रघुवीर प्रभु, हमारे राम राघव प्रभु, ये कर कि बच्चे कोई प्रसाद लेकर आता है, कोई स्पीकर लेकर आता है, कोई माइक लेकर आता है, कोई मृदंग बजाता है, ये सारे उसी तरह ये सब लोग परिकर हैं। इनमें से तोता कौन है, दक्ष कौन है, हमारे हिस्सेदारनिशन प्रभु जी, है ना, समझ रहे हैं। तो इस तरह से वृंदावनेश्वरी के एक तोते हैं वो, और उन सब के बाकी सब कौन है, इंस्ट्रूमेंट परिकर है, 1,00,000 परिकर है। तो ये सारे इसी तरह से मैनेजमेंट चलता है, तो ये मैनेजमेंट वृंदा देवी भी इसी प्रकार से मैनेजमेंट करती हैं। आप लोग आए हैं वृंदा देवी के मैनेजमेंट के कारण, आप लोगों ने वहाँ कथा नहीं सुना, वृंदा देवी के मैनेजमेंट के कारण, क्योंकि आप सबको कहाँ आना था, पावन सरोवर में, कहाँ आना था, इसलिए आप लोगों ने वहाँ पर कथा नहीं सुना, इसलिए आप पावन सरोवर में बैठ कर कथा सुन रहे हैं, क्योंकि यह स्थान चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने भी इसी स्थान पर बैठ कर कथा की थी। चैतन्य महाप्रभु का बैठक है यह जो स्थान है, इसलिए अंदर आप जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु के आपको दर्शन होंगे मंदिर में, तो आप वहां भी दर्शन कर सकते हैं। और इस तरह से प्रणाम करके हम सब चलेंगे कहाँ, नंद महल, नंद गांव में तो है, आप कहाँ चलेंगे, नंद महल में, जहां पर आप दर्शन करेंगे कृष्ण बलराम के, जो दोनों एक ही जैसे दिखेंगे, दोनों काले, यहाँ बलराम जी गोरे नहीं है,
यहाँ कृष्ण बलराम दोनों काले हैं, तो काले काले कृष्ण और काले काले बलदाऊ भैया उनके दर्शन करेंगे और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय हो कन्हैया लाल की, तो वहां चल के जय कन्हैया लाल की करेंगे। शील प्रभु।